और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ का दौरा है। आज से दो दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। संघ के प्रचारक और पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ में भी बैठक करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से दो दिवसीय लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। दो दिवसीय उनका लखनऊ का दौरा है, प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ में उनकी बैठक होगी, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ में भी वो बैठक करेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दो दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज लखनऊ के दौरे पर आएंगे। भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के मद्देनजर संघ की शाखाओं और सेवा कार्यों के विस्तार के मद्देनजर संघ प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। साथ ही भागवत लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ में भी बैठक करेंगे। योगी सरकार ने पहले फैसले के तहत खाद्यान्न योजना को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। वही राशन वितरण आने वाली 20 अप्रैल से पहले शुरू कर दिया जाएगा और इसके साथ ही सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए तमाम योजनाओं का बेस तैयार कर लिया गया है और उनको रफ्तार देने की तैयारी की जा रही है। इसमें पहला फोकस प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ होगा और इसके साथ ही बीते 5 साल में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। हमने पिछले 2 वर्षों से लगभग हम निःशुल्क राशन दे रहे थे क्योंकि उनके पतियों के काम छूट गए थे, नौकरी से वापस लौट आए थे तो उनके घर कैसे चले। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सोचा, वो योजना लागू की हमने और इससे जनता में एक विश्वास जगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती भी है। हमने उसी विश्वास को और आगे बढ़ाया है और फिर हम 3 महीने तक उन्हें निःशुल्क राशन दे रहे हैं।